Hello everybody, greetings from Heart Care Foundation of India and Med Talks. मैं हूँ डॉक्टर के अग्रवाल. मेरा कोविड पॉजिटिव था. मेरा सीआरपी 10 दिन के बाद भी 10 से ज्यादा है. मैं क्या करूं? Yes, that's a peculiar situation. करीबन 15 से 20% लोगों में ऐसा हो सकता है. अगर आपका सीआरपी नॉर्मली 5 दिन में रिवर्स हो जाना चाहिए. याद रखिए, सीआरपी शुड स्टार्ट डिक्लाइनिंग बाय day 5. हम तो ये कहते हैं day 5 में 5 से कम होना चाहिए. रिविजिट day 5, कहां गलती हुई. लेकिन 10वें दिन भी अगर 10 से कम नहीं है, 10 से ज्यादा है, इट इज अ साइन ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन. पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन है वायरस के द्वारा, या परसिस्टेंट क्लॉट्स बन रहे हैं, या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है माइकोप्लाज्मा से, या किसी और बैक्टीरिया या फंगस से आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है. क्या चेक करेंगे? मेफेनिमिक एसिड बंद तो नहीं हो गई, कोल्चिसिन दी थी कि नहीं, बंद तो नहीं कर दी, स्टीरॉयड की डोज कम तो नहीं हो गई. बढ़ाऊं क्या? नॉर्मली हम स्टीरॉयड्स की डोज 10 दिन तक देते हैं. ब्लड थिनर की डोज कम तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि ब्लड थिनर्स मिल ही नहीं रहे. विटामिन डी दिया था कि नहीं दिया था? एंड कंसीडर आर्टिमिसिन एज ए टीजीएफ बीटा ब्लॉकर, मेफेनिमिक एसिड एज एनएलआरपी ब्लॉकर, स्टेरॉयड एज पीएलए2 ब्लॉकर, कोल्चिसिन एज न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा ब्लॉकर, ब्लड थिनर फॉर न्यूट्रोफिलिक इंड्यूस्ड क्लॉट फॉर्मेशन, विटामिन डी एज IL-17 एज TH-17 इनहिबिटर, एंड आर्टिमिसिन एज TGF बीटा इनहिबिटर. इन सब चीजों को आप देखिए, किसी भी हालत में 5वें दिन में सीआरपी 5 से कम होना चाहिए. अगर मिस हो गया किसी कारणवश तो 10वें दिन में तो कम से कम 10 से कम होना चाहिए. नमस्कार.